हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे पास अभी टाइम मिला इसलिए मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और दो दिन कोई वीडियो में शूट नहीं की थी। कहाँ गिरा, माथा का बंडल निकालो, नीचे उठाओ। अरे बाबा, पकड़े, लगा दो पकड़ा था। बहुत गर्मी लग रहा है ना, हड़बड़ी में मैं रेडी हुई हूँ। हाँ चले, क्या गाइस, मैं पहुंच गई, मतलब हम लोग पहुंच गए तीनों जन मूवी देखने, स्त्री टू। ऐसे इनका बहुत दिन से मन हो रहा था, बट मेरे वजह से ये नहीं जा पा रहे थे कि इनका मतलब एक हैबिट हो गया कि हाँ मैं जब जाती हूँ या फिर ऐसे चले जाते हैं किसी के साथ, बट मैं रहती तो मेरे साथ जाते हैं। गाइस, हम लोग गए थे मतलब मूवी देखने के बाद कुछ खाने पीने के लिए, बिकॉज घर पे काम था कुछ, तो इसलिए मैं घर गई थी और बच्चों लोग को साथ में लेके निकली हूँ। अभी रात का कितना बज रहा है, अभी 10:30 बज रहा है और मैं जाके अभी पराठा भुजिया बनाऊंगी। और कल है व्रत जन्माष्टमी का, तो रात में नहीं बनाती मैं, व्रत है कल बोल के इसलिए मैं आज बनाऊंगी। पूरा अंधेरा है इसलिए मैं लेट कैसे बात कर रही हूँ। और सूट कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा बहुत सूट हुआ है, देखते हैं कितना क्या है, मैं अपलोड कर दूंगी मैं। और जन्माष्टमी का लुक क्रिएट करूंगी, बट वो भी टाइम नहीं मिला क्रिएट करने का, कल देखती हूँ कल। रुको बेटा, सुनो रुक जाओ बेटा, पहले फटाफट जाके पराठा। और आप बिलीव नहीं करो, सुबह से मैं एक कप चाय नहीं पीती, अब भी जाके चाय पीऊँ, एकदम भी टाइम नहीं मिला था चाय तक पीने का। तो अभी मैं पराठा भुजिया बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी, तब जाके थोड़ा सा अच्छा फील होगा, फिर दिखती हूँ जितना होगा उतना एडिट करूंगी, एडिट करके घर जाऊंगी। सभी कोई पीछे है, मैं फटाफट से उतर के आई कि मैं अपना काम कर सकूं फटाफट से। और मैं किचन में आके मैं सबसे पहले भुजिया छौंक देती हूँ। भुजिया छौंकने के बाद ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी, बाहर से मतलब कोई भी कपड़ा पहन के जाऊँ, पता नहीं क्यों मैं रह नहीं सकती वो कपड़ा पहन के, तो भुजिया ज़रूरी था छौंकना, इसलिए मैं डायरेक्ट किचन में आ गई भुजिया छौंकने के लिए। जब तक भुजिया होते रहेगा तब तक मैं फ्रेश भी हो जाऊँगी, उसके बाद मैं आऊँगी किचन में पराठा वगैरह बनाने। और कल फास्ट है इसलिए आज मैं बना रही हूँ इतना रात में, नहीं तो फिर इतना ज़रूरत नहीं था बनाने को। आटा भी मॉर्निंग से गूंथ के रखा होता है, मॉर्निंग में मैं खाने वाली थी पराठा बट खा नहीं पाई। उसके बाद मैं फटाफट से फ्रेश होके आई, आने के बाद यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा साइज़ का पराठा मैं बना रही हूँ, बिकॉज रात बहुत ज़्यादा हो गया है, 11:30 बज चुका है। और जल्दी से मतलब बाबू को भी सुलाना है, सोना भी है, अगर छोटा छोटा बनाते हैं तब तो रात भर लग जाएगा, बस पतला होना चाहिए, मोटा अच्छा नहीं लगता है। गाइस, बच्चा लोग सो चुका है और दोनों बच्चे का कल स्कूल है भी नहीं, छुट्टी है, तो टेंशन नहीं है। स्कूल रहने से एक तो रहता है कि हाँ स्कूल है। और बाबू सोया नहीं था, और कल के लिए मैं कुछ सोच रही हूँ, तो जा रही हूँ अभी कोई काम करने। और आज तो सूट कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल भी कुछ सूट नहीं हुआ है। अभी रात का बज रहा, कितना बजने जा रहा है अभी? अभी बजने जा रहा है 12:30। 12:30 हो चुका है और सिर्फ 2 मिनट का मेरा सूट हुआ है वीडियो, और कुछ भी सूट नहीं हुआ है। ये मेरा तिल आज इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है? अच्छा, चमक। फेस वॉश भी नहीं किया पता है अभी तक, जा रहे फेस वॉश करने, फेस वॉश करके क्रीम वगैरह लगाऊंगी। और आज लेट हो गया कि सीमा का फ़ोन भी आ गया था, सीमा से बात करने लग गई कि वो आने वाली है। तो वो मतलब जब भी आती है तो मतलब मेरे से वो पूछ लेती है कि कब मैं किस टाइम में फ्री हूँ, कहीं जा रही हूँ कि नहीं जा रही, क्योंकि वो आती है तो चलो मेरे साथ घूमना फिरना उसका होता है। तो वही कॉल की थी मेरे पास कि कब आ रही हो तुम, तो उस हिसाब से अपना वो प्लानिंग करती है आने का। उसका भी मतलब काम में बिजी रहती है, अपना इंटीरियर का काम है उसका, तो और बच्चा का भी स्कूल रहता है। तो गाइस, मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ जो काम करना है, और क्या काम करना है, किस काम के लिए मैं वो करने जा रही हूँ आपको कल ही पता चलेगा। और मैं बोल रही थी उस टाइम गाड़ी में, सर उसी को लेके ही है, आप लोग समझ ही गए होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, ऑन कर दो। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी ऑयल मतलब हाथ में जो दर्द है उसको मसाज में करवाती हूँ, अभी तक वो नहीं आई है जो आंटी करती है।
और मुझे लाने जाना है लड्डू गोपाल जी का कपड़ा, तो मैं सोची फटाफट सॉइल मसाज करके तब मैं जाती हूँ, बट अभी तक आई नहीं, पता नहीं कब आएगी, तो देखती हूँ, अगर 5 मिनट और वेट करती हूँ, नहीं आएगी तो मैं चले जाऊँगी प्रॉपर्टी से ख़रीदने, ज़रूरी है ख़रीदना। और ऐसे भी आज मुझे मतलब कल तो संडे पड़ गया और सैटरडे को फिर नहीं निकल पाई मैं, ये निकलने भी देती नहीं अकेले कहीं भी, बोलते साथ में चलने के लिए या फिर कोई साथ में रहे, तो अभी तो मैं बेटी को लेकर जाऊँगी, तो 5 मिनट वेट करके फिर निकलती हूँ। फिर लड्डू गोपाल जी का, मेरे घर में छोटे छोटे 3 लड्डू गोपाल जी हैं, अब वो भी 3 लड्डू गोपाल जी मतलब कैसे हुए, एक तो हम लोग खरीदे थे मतलब जब बाबू पेट में था तभी खरीदे थे, और एक लड्डू गोपाल जी आपका मतलब क्या बोले मतलब मानती माना जाता है चांदी का लड्डू गोपाल जी, और झूला के साथ में है वो है, वो फिर इसके पापा ही खरीदे थे, मेरे पतिदेव जी खरीदे थे। चांदी का कटोरी ऊपर में है, चांदी का कटोरी जुआ ले गया अपने घर में मिट्टी वाला। अच्छा, और एक है, एक हम लोग का कोई दिया है तो वो भी लड्डू गोपाल जी, तो घर में जो भी लड्डू गोपाल जी है उसको मतलब अंदर से बंद करके नहीं रखा जाता है, उसको मंदिर में ही रखना चाहिए या फिर मंदिर में दे दो किसी को, बट है तो हम लोग के घर में ही है, और सबके लिए कपड़ा लेके आना है। अब हम लोग अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेते हैं जन्माष्टमी है, तो भगवान के लिए कपड़ा लेना तो बनता ही है, तो जा रही हूँ, निकल रही हूँ बेटी के साथ ही निकलूँगी, इसकी मैम भी आने वाली है 1 बजे, और यहाँ पे मैं क्यों देर बात करूँ, मैं दिखाती हूँ मेरे बगल में बाबू सोई हुई है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बात करूँगी यहाँ पे, और बेटी को मतलब राधा का लुक क्रिएट करूँगी और बेटा को कृष्ण भगवान का, और मैं सोची जसोदा मैया करूँगी, बट मेरी बेटी बोली नहीं मम्मा राधा दीजिए, आप राधा है तो राधा दीजिए, तो देखती हो कौन सा लुक क्रिएट करती हूँ और कैसी लगती हूँ, तो फिर आप मतलब हो सके तो मैं वीडियो या आपका दोपहर तक या शाम तक अपलोड कर दूँगी जब तक पॉसिबल होगा, तो आप निकल ही रही थी तब तक ये आ गए, तो फिर हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ का व्रत है आज, तो यहाँ पे हम लोग पीनट्स एंड चाय पी रहे हैं, मतलब पीनट्स खा रहे हैं एंड चाय पी रहे हैं हम लोग, व्रत में सबसे बेस्ट है पीनट्स खाना, फ्रूट्स भी खाते हैं बट चाय के साथ नहीं अलग से। यहाँ पे निकल गई मैं बादाम और चाय पीने के बाद, मैं निकलने वाले थे पहले ही, ये बोले कि आ रहे घर तक, मैं सोच चलो इनको खिला देती हूँ, मैं भी पता हमेशा ऐसा साउंड करते थे मैं पे रिकॉर्ड मतलब बोलती नहीं हूँ। रास्ते में हम लोग का पड़ गया ये बर्तन का दुकान, तो सोचे कि सबसे पहले जो ज़रूरी काम जो दिख गया वो कर लेना चाहिए, तो फिर वो पड़ा का पड़ा रह जाएगा, फिर घर में जाके अफसोस होगा कि वो दिखा हम लोग फिर भी नहीं किए, तो सबसे पहले हम लोग के घर के पास में ये दिखा मिट्टी का बर्तन वाला, तो मुझे लेना था माखन मिश्री के लिए छोटा मटका और एक बड़ा मटका लेना था, तो छोटा मटका तो मैं देख ली येल्लो अच्छा लगा, एक बड़ा मटका भी मैं देख रही हूँ, बड़ा मटका में भी कुछ कुछ काम आ जाता है आपका, और मैं सोची कुछ सूट वगैरह भी हो जाता है इससे, तो आज ये सब मतलब आजकल क्या है कि हर कोई ओकेज़न में मिट्टी का बर्तन बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग आए एक दुकान है यहाँ पे जो कि अंकल बहुत ही अच्छा झूला वगैरह सब कुछ मतलब दे रहे थे, अच्छे रेट में दे रहे थे, एक खालपड़ा हम लोग जाते बहुत हाई रेंज है वहाँ का, और वही सेम चीज़ होलसेल है यहाँ पे जो कि बहुत अच्छा रिजनेबल रेट में मुझे मिल गया है यहाँ पे, तो एक झूला भी बहुत सारा सामान ली मैं लड्डू गोपाल जी के लिए ही। उसके बाद फिर बच्चों लोगों को पहनाने के लिए कपड़ा भी लेना था, तो वो भी मैं देखी यहाँ पे, तो फिर मैं भाई को कॉल की, तो भाई को भी मतलब जो लेना था लड्डू गोपाल जी के लिए वो भी ले लेता आके, तो वो कॉल की अभी तक आया नहीं है, वो आएगा बस थोड़ा देर में, और बेटी को लेके आगे अकेले आने में अच्छा नहीं लगता, और अभी ट्यूशन वाली मैम भी आने वाली है बेटा बेटी का, तो अभी थोड़ी देर में बस कॉल आ ही जाएगा, तब तक मैं कॉल आ गया तो मैं उसको ड्रॉप कर दूंगी जाके भाई के साथ जाके, उसके बाद बाकी जो काम है मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे बहुत सारा मैं लड्डू गोपाल जी का कपड़ा देखी, और लड्डू गोपाल जी का कपड़ा तो हमेशा साइज़ वाइज मिलता है, बट जो छोटा साइज़ में उतना अच्छा पसंद नहीं आता, बड़ा साइज अच्छा लग रहा था, तो भाई भी बस आ गया, और जैसे ही मैं घर पे आई वैसे ही मेरे पतिदेव जी भी घर पे आए, और ये कपड़ा देख के उनको बहुत अच्छा लगा, बोले क्यूट क्यूट सा लग रहा था, और येल्लो भी ली हूँ मैं, येल्लो ज़रूरी होता है लेना, तो येल्लो भी ली और ब्लू भी ली हूँ, ब्लू बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब अभी तक ली हूँ ब्लू में एक ही ली थी और ये सेकेंड ब्लू ली, बहुत सारा मैं हर साल ऐसे परचेज करती हूँ लड्डू गोपाल जी का, और अभी कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ भी है माँ बोल रही थी, तो और बच्चा लोग के लिए भी कुछ लेके आई हूँ वो भी मैं दिखाती हूँ आपको, और ये देखिए मैं सर पे लगाने के लिए लेके आई हूँ।
मेरा जो लुक है राधा जी का या जसोदा मैया, क्या लुक मैं क्रिएट करूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शायद देखने को मिलेगा। अगर इसमें पॉसिबल हुआ तो इसमें दिखा दूंगी, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी आप लोग से। मैं दिखा रही हूँ, पूछ रही क्या चीज़ है, तो मैं दिखाती ऐसे लगाने का है वो। और मतलब इस बार मैं सोची कुछ डिफरेंट मतलब लुक क्रिएट करूँ, हमेशा मतलब 2-3 साल से कर रही हूँ मैं, तो मतलब थोड़ा सिमिलर हो जा रहा है, तो इस बार थोड़ा एकदम डिफरेंट बनता कि प्रॉपर एकदम जो मैं चाहती हूँ वैसा प्रॉपर हो। और जो झूला दिखा रही हूँ, देखिए वो झूला मैं लेके आई, और जब बाबू हुआ था तब तो मैं बताई कि मैं चांदी का झूला के साथ लड्डू गोपाल जी ली थी, वो चांदी का झूला भी है घर पे, बट वो बहुत छोटा झूला है, बहुत छोटा। तो इस टाइप का कुछ मेरा मतलब लास्ट ईयर से ही मन हो रहा था लेने का, बट लास्ट ईयर मैं ले नहीं पाई, तो जब जिसका टाइम होता तभी लेना होता है। और उसके बाद राध्या की मैम को मैं बोली कि चलो ये थोड़ा डेकोरेशन में हेल्प करा दीजिए, तो वो बोले कि चलिए करा देते हैं। और ये भगवान के लिए ना भी नहीं की, वो भी बेचारी फास्ट की हुई है राध्या की मैम, तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड के लिए। और मैं मंदिर में नहीं की बिकॉज मंदिर में डेकोरेशन नहीं किया जा सकता है, वो फिर मंदिर का जैसे पूरा पश्चिम है तो पूरा पश्चिम में मंदिर ही है, तो अपोजिट साइड में मतलब आपका गेट है, तो फिर नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं सोची कि नीचे करती हूँ, तो स्पेस भी मिलेगा और सभी को अच्छे से इंजॉय भी कर पाएगा, मतलब लड्डू गोपाल जी का जो जन्म होगा। और मंदिर में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगता है, और यहाँ पे सच में मैम इतना हेल्प की तो हो गया, नहीं तो फिर अकेले मतलब बहुत टाइम लग जाता करने में, तो वो भी बेचारी हड़बड़ी में ही है, और ऐसे ही इतना पतली दुबली है उनका फास्टिंग, मतलब मैं हूँ बट अब क्या बोलूँ मैं, मतलब किसी और को देख के ज़्यादा वो लगता है मुझे कि हाँ कोई कैसे है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में नॉर्मल सा ये रेड कपड़ा लगाया गया, मुझे फ्लावर्स से मन था बट अब टाइम नहीं था फ्लावर्स लाने का, तो कभी नेक्स्ट ईयर से सोचा जाएगा किस टाइप का किया जाए। अभी टेम्प्रोरी में जैसा हो सके वैसे कर रही हूँ, बस आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मतलब मेरा लुक हो या फिर किसी का भी लुक या फिर डेकोरेशन आप लोगों का कैसा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, तो मुझे मतलब एक आइडिया मिलेगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं भी अच्छा लगे, तो इस टाइप का मतलब कुछ कमेंट कीजिएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा ट्राई करूँगी मैं। और एक साथ मतलब कोई भी पूजा पाठ हो या फिर कोई भी कुछ हो तो बहुत प्रेशर पड़ जाता है, अभी लड्डू गोपाल जी का भोग बनाना है, डेकोरेशन है, खुद को मतलब सजाना है, बेटा बेटी को सजाना है, फिर बहुत सारा काम है। और इतना दिन से मैं आई थी तो थोड़ा रेस्ट मोड में ही थी, इतना ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, पर थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दी थी, हाथ का दर्द से थोड़ा बहुत कर रही थी, तो अब मैं सोची नहीं थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, नहीं करने से फिर एकदम नहीं चलेगा। हाँ अगर थोड़ा सा हाथ में दर्द हुआ तो मेरा ये बैंड बजा देंगे, बहुत गुस्सा होंगे, ये स्ट्रिक्टली मना करते कि नहीं तुमको कुछ नहीं करना, तुम अभी रेस्ट करो, हाथ में ज़्यादा दर्द है ना तो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता, फिर और दिक्कत हो जाएगा, तो अभी तुम्हारा रेस्ट करना ही अच्छा है। जब वो घर पर नहीं रहते तो मैं सोचती हूँ कितना काम कर लूँ मैं, तभी मैं कर पाती हूँ उनके एब्सेंस में, अगर रहे तो फिर गुस्सा होने लगेंगे। और यहाँ पे जैसे समझ में आ रहा है वैसे डेकोरेशन हो रहा है यहाँ पे, और भोग में बनेगा मतलब आज रात में 2 बार मैं भोग बनाऊँगी, मॉर्निंग में ही बनाऊँगी रात में ही बनाऊँगी, रात में खीर हलवा आपका पूरी आलू का सब्जी ये सब बनेगा, और मॉर्निंग में भी मैं बनाऊंगी। और ये डेकोरेशन सिंपल सा डेकोरेशन आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ पे बस मैं बेटी का मेकअप कर रही हूँ, मेकअप मीन्स क्या वो बिंदी वो करी मेकअप में, मैं उसको कुछ भी नहीं फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ, क्रीम तक नहीं लगाती हूँ उसको, नॉर्मली जब मन होता है तो खुद वो मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, मैं एकदम क्रीम भी अवॉइड करती हूँ उसको स्किन में लगाना, तो यहाँ पे उसका बिंदी बना रही हूँ और कुछ भी नहीं, और थोड़ा सा लिप बाम लगा दूंगी। बट मेरी बेटी को मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे लगता है सारी लड़कियों को शायद शौक होता होगा जिस तरह से मेरी बेटी को, अब मुझे पता नहीं स्टार्टिंग से इतना मेकअप का कोई शौक ही नहीं रहा, मेरी बहन को बहुत ज़्यादा शौक रहा है मेकअप का, तो मैं इनसे सुनती भी हूँ कि तुमको कभी भी थोड़ा शौक नहीं, तुम थोड़ा मेकअप करके रहो, और सच में मुझे एक लिप बाम काजल छोड़ के कुछ भी उतना मेकअप का शौक नहीं रहता है। हाँ पार्टी प्रोग्राम में जाती हूँ तो थोड़ा बहुत कर भी लेती हूँ, बट नॉर्मली तो बहुत कम, आप लोग तो देखते ही होंगे कि एकदम भी शौक नहीं है। और जिस वाइफ को शौकीन होता है उसके हस्बैंड मतलब ऐसे मिल जाते हैं, बहुत शौकीन मिल जाते हैं, और जिस हस्बैंड को पसंद नहीं होता है उसकी वाइफ बहुत शौकीन मिल जाती है, सेम मेरी सिस्टर वाला हाल है, मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है बट उस अजीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैं छोटी सी गुड़िया रानी को भी राधा रानी बना रही हूँ, इतनी क्यूट लग रही है ना मैं क्या बताऊँ, टच नज़र नहीं लगे, सच में बहुत क्यूट लग रही है, छोटी सी है और इधर ध्यान से, और ये छोटा सा कुमकुम है तो हल्का फुल्का लगाऊंगी, उतना नहीं लगाऊंगी।
और मैं अपनी बेटी का फुल लुक आपको दिखाती हूँ, मेरी बेटी कैसी लग रही है। सच में मुझे भी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी, बिल्कुल राधा रानी की तरह। इस बार मेरी बेटी का भी थोड़ा डिफरेंट लुक मैं क्रिएट की हूँ, मतलब एक दो साल उसको मैं लहंगा भी पहनाई, साड़ी भी पहनाई हूँ, बट इस मतलब इस बार कुछ अलग लुक बनाई हूँ बिंदी से, और लाइनर लगाई, काजल नहीं लगाई, लाइनर लगा के ज़्यादा अच्छी लग रही थी वो। उसके बाद मैं आगे अपना लुक क्रिएट करने, और मैं कुछ मिस्टेक कर दी थी और बेटा तो हिला दिया था, गुस्सा आ गया था मुझे, तो मैं बिंदी लगा रही थी, तो मैं फिर बाद में मेरी बेटी बोली मम्मा ऐसे क्यों करें, मेरा जैसे कि वैसे कीजिए, तो मैं फट से इसको रिमूव करके फिर चेंज की। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, ये मैं क्या कुमकुम लेके आ गई, वो वाला लेके आते जो कलरफुल वाला आता है वो सबसे बेस्ट होता है, बट मैं फर्स्ट टाइम ट्राई की इसलिए मुझे समझ में नहीं आया, कभी नेक्स्ट टाइम से वो वाला लेके आऊँगा। तो यहाँ पे मैं फिर रिमूव करके जैसे बेटी का लगाई वैसा लगाई, मैं यहाँ पे बन बना रही हूँ नॉर्मल सा, मैं बन नॉर्मली बनाती हूँ, क्लच लगा के उसके ऊपर रबड़ लगा देती हूँ, अच्छे से मेरा टिक जाता है वो मेरा। और ये मेरा बस रेडी हो गई, लाइनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, मैं नॉर्मली रेडी हुई हूँ। मैं आपको फुल लुक और एंड फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैं हल्का सा यहाँ पे लिप टिंट लगा रही हूँ जिससे कि थोड़ा आइज वगैरह अच्छा दिखे, और मेरा मतलब खुद का मेकअप खुद से हो भी नहीं पाता है, मतलब ऐसे तो नॉर्मली करती भी हूँ, ऐसे लिप स्टिक नहीं लगाऊंगी, लिप बाम ही लगाऊंगी, ब्रत वगैरह में यही बेस्ट रहता है। और भूख तो लगा नहीं है, बट भूख लगता है अगर बैठने से भूख लगता, तब से मैं काम ही कर रही हूँ, मॉर्निंग से उठ के एक सेकेंड का रेस्ट मुझे नहीं मिला है। और बैक साइड में एक दुपट्टा सोच रही हूँ लेने का अभी फ़िलहाल ऐसे ही, और हल्का सा काजल बस लगाऊंगी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैं मतलब मेरा जो लुक है वो राधा वाला लुक है कि यशोदा मैया वाला लुक है, या फिर कोई और लुक लग रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि राधा या यशोदा मैया, कुछ भी कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उसके ऊपर मैं ये एक्स्ट्रा जो दुपट्टा है जो मैं बनाई थी पूजा पाठ में बैठने के लिए, वो वाला दुपट्टा मैं ली यहाँ पे, मुझे अच्छा लग रहा था बैक साइड में बस उसको लगा के। और लास्ट टाइम मैं लहंगा पहनी थी, तो इस बार मैं साड़ी ली, मतलब पहनी हुई कुछ डिफरेंट कलर का, और पहले तो कभी रेड कभी येलो पहनती थी, इस बार मैं सोची कि नहीं कुछ अलग वो, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं वो खोपा पीन लगाई थी वो फट से निकल गया, ये सब बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हुई सब चीज़ में, खोपा में खोपा पीन लगाना या फिर दुपट्टा टिका देना ये सब होता ही नहीं है मेरे से ये सब काम। अब तो मैं चलो थोड़ा बहुत सीख भी ली हूँ ये सब करना, बट पहले तो बिल्कुल नहीं होता था। अभी जैसे मैं खोपा पीन लगाने के वैसे ही दुपट्टा फट से नीचे गिर गया था मेरा, तो यहाँ पे नॉर्मल सा टिकटॉक क्लिप से मैं इसको टिकाने का सोच रही हूँ, टिका दूँ, और ये कब तक मैं ऐसे लगा रखे लगाई हूँ मैं कैसे। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई बेटा को रेडी करने के लिए, तो बेटा को रेडी करने से पहले नॉर्मल सा ये मैं एक बैंगल्स कुछ नहीं पहनूंगी, ये पहनूंगी बिकॉज और भी बहुत सारा काम है, ये पहन के काम करना पड़ेगा। और कुछ कुछ काम मैं पहले कर चुकी हूँ, मतलब कुछ प्रसाद में बनाना मैं बना चुकी हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या काम हो चुका है। और मेरा बेटा बोला मम्मा मुझे रेडी नहीं करेंगे, तो मैं बोले रुको मैं रेडी कर देती हूँ, पहले मैं लड्डू गोपाल जी का जो काम है थोड़ा बहुत वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रेडी कर देती हूँ। तो मैं आ गई अब यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का, ये पीन एकदम ख़राब हो गया है, और बस लड्डू गोपाल जी का सब कुछ हो गया है, बस कपड़ा पहना के पर्दा लगा देना पड़ता है, जब जन्म का टाइम होता है तब पर्दा को ओपन किया जाता है, तब अच्छा लगता है। ये फ्लावर मैं लगा के रखी थी ऊपर, बट तो कब गिर गया मुझे नहीं पता, मैं रूम में थी आके देख रही हूँ दोनों साइड से फ्लावर गिर चुका है, शायद डबल टेप लगाती तो नहीं गिरता, बट डबल टेप लेके नहीं आई, मैं खरीदने ही भूल गई हूँ। इतना सारा काम रहता है कि क्या क्या याद रखूँ मैं, खुद कभी समझ में नहीं आता, जब लिस्ट बना के लेके जाती तब हो जाता है। और नारियल का ज़रूरत पड़ता है जन्म के टाइम में फोड़ने का, तो ये नारियल फिर रखा हुआ है, तो अब मैं ये जो माला है उसको मैं फिर फिक्स नहीं करूँगी, नॉर्मली ऐसे रख देती हूँ, और रखने के बाद जो काम है वो कर लेती हूँ फटाफट से, कपड़ा पहना देती हूँ, और दिया वगैरह जलाना वो थोड़ी देर में बस मैं दिया का भी काम करूँगी। सो गाइज मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और भी इंटरेस्टिंग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और मैं डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं सब कुछ डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर की यहाँ पर मैं।